अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अबू बकर शमशाद और आप देख रहे हैं अबू बकर का शो। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाड़ी के साथ। ठीक है, और आज हमारे पास मौजूद है, नई गाड़ी तो नहीं है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, लेकिन मेरे चैनल पर एक पहली मरतबा रिव्यू होने वाला है इसका। ठीक है, तो हमारे पास मौजूद है विट्स 2007 मॉडल, 2013 की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो चलें इसका हम रिव्यू करते हैं। हमारे पास क्या उस टाइम पे 2007 से 2013 तक क्या प्रोवाइड किया गया है हमें। ठीक है, एंड काफ़ी साफ गाड़ी नज़र आ रही है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 2007 मॉडल है, 13 की भी इम्पोर्ट है, तो भाई 10 साल 13 साल इस गाड़ी को हो गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी साफ गाड़ी बताई जा रही है। ठीक है, और इंटीरियर सील टू सील पैक है गाड़ी, यानी अंदर से जेन्युइन है टोटल। बाहर से आप अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फुली इन्फॉर्मेशन इसकी जो एक्सटीरियर की है वो प्रोवाइड करती जाएंगी। ठीक है, तो चले अभी स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। अगर हम इंटीरियर को देखें, सबसे पहले हमारे पास स्टेयरिंग व्हील आता है। स्टेयरिंग व्हील में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, साइड में हमारे पास मौजूद है वाइपर्स के लिए, ठीक है, हैंडल एंड दैट्स द लाइट हैंडल। ठीक है, लाइट्स हमारे पास मौजूद है, फोग लाइट्स हमारे पास इंस्टॉल आती हैं। ठीक है, और मेरी चाबी गिर गई है, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, लाने दे यार, चाबी किधर गई, सॉरी भैया। ओ देखो यार, चाबी किधर चली गई, ओए मिल गई, सॉरी फॉर दैट। खजाना गिर गई थी। ये हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील के साथ हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमारे पास MP3 मौजूद है। ठीक है, किसी किस्म के हमारे पास LCD LED कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारे पास MP3 मौजूद है। सिंपल हैजर्ड्स का बटन मौजूद है। ठीक है, डैशबोर्ड सामने से खाली है, मीटर नहीं है इसका। ठीक है, मीटर शीटर कोई चीज़ नहीं है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बता नहीं रहा कुछ। ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पे लेफ्ट राइट मिरर्स का। ठीक है, हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स है। ये हमारे पास फॉग लाइट्स का। ठीक है, मिरर्स हमारे पास एडजस्टेबल है, रिट्रैक्टेबल है। ठीक है, और ये हमारे पास पता नहीं क्या है यार, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है, मीटर शीटर हमारे पास है नहीं कोई यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसका मीटर शीटर नहीं है। ये हमारे पास अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पता नहीं क्यों नंबरिंग आ जाती है, और ये तो मीटर ही है, सॉरी यार। मीटर में हमारे पास सिंगल मीटर है हमारे पास। ठीक है, RPM वाला मीटर नहीं है हमारे पास, स्पीडो मीटर है, 180 किलोमीटर पर आवर हमारे पास टॉप ऑफ द स्पीड है इसकी। ठीक है, फ्यूल के लिए हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, अब आया। इसकी मैं वो बता रहा था आपको, स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, टॉप ऑफ द स्पीड जो इसकी है, और हमारे पास फ्यूल के लिए इसमें आप चेक करें तो फ्यूल के लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास बटन्स इसमें वो हैं, सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, और 2.25 लाख इसकी हो चुकी है टोटल जो हमारे पास है, और ट्रिप पे हमारे पास ये, ट्रिप बी हमारे पास ये है। और इसके अलावा हमारे पास साइड में अगर आप देखें तो ये इसे घड़ी कहते हैं मौजूद है, और उसके अलावा कोई शह नहीं है इसमें। ठीक है, बैटरी का बटन मौजूद है इसमें, और इधर हम देखें तो उन्होंने ना एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो पैसेंजर है ना वो, ये पता नहीं कट का निशान है, पता नहीं किस चीज़ का है यार, ये इधर ही पता है मैनू। और ये हमारे पास AC वेंट्स मौजूद है हमारे पास। ठीक है, इन बंद कर दो यार, गाड़ी अभी देखें तो आप कूल में है यार। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो देखिए कूल, हीट नहीं है गाड़ी। ठीक है, इधर हमारे पास देखा जाए तो इस साइड में हमारे पास उसके लिए है, गाड़ी वास्ते है। ठीक है, एंड ये हमारे पास AC वेंट्स जो बंद हो गए अब। ठीक है, पहले चल रहे थे, खुले थे। ये हमारे पास फ़ैन की नंबरिंग है। ठीक है, और ये हमारे पास AC की डायरेक्शंस है। ये नीचे हमारे पास AC और हीटर का ऑप्शन है। ये हमारे पास गियर वाला डंडा है। ठीक है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, शिफ्ट, और ये पता नहीं क्या यार, ये B से पता नहीं क्या बनता होता है। यह शिफ्ट लॉक हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, इसको नहीं दबाएंगे तो फिर नहीं होगा आगे, इसको दबाएंगे तो आगे होगा। ठीक है, शिफ्ट लॉक हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे पास हैंड ब्रेक मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास वो HID जो लगवाते होते हैं वो मौजूद है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हैंडल के अलावा और कुछ है नहीं है इधर। ठीक है, सारी चीज़ें ऊपर है। ठीक है, और
बड़ी अच्छी गाड़ी थी ये 2007 में। सॉरी यार, तब से मैं वैसे शुगर में लगा हुआ था। मीटर मैंने आपको शो करवा दिया इसका, ठीक है। हमारे पास गियर हैंडल मौजूद है और ऑटो गियर सिस्टम है, एजीएस है, एबीएस है, ठीक है। 1000 सीसी गाड़ी है और हमारे पास हैंड ब्रेक है जो है ना, इसका ये इंटीरियर बहुत सारा सिंगल टोन में मौजूद है, ठीक है। ये दरमियान में थोड़ा सा सिल्वर कलर यूज़ किया गया है, पर है प्लास्टिक में, क्रोम वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्रोम का तो सिर्फ हमारे पास ये लोगो है टोयोटा का। और ये हमारे पास जो ड्राइवर विंडो है वो फुली ऑटो है, ठीक है। आप चेक करें उत्ते थले ये चेक करें, ठीक है। और बाकी जो है वो मैनुअल है, ठीक है। दैट्स इट। और ये इसका ताला मारने वाली शाय है, ठीक है, लॉक विंडो से। और ये हमारे पास अगर एसी वेंट्स को देखें तो हमारे पास सर्कुलर शेप में एसी वेंट्स मौजूद है। 2007 मॉडल है, 13 का रजिस्ट्रेशन है। और ये देखें कि इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। शीशा है, ये हमारे पास दोनों साइड पे लाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये पीछे पीछे देखने वाला जिसे हम कहते हैं मिरर है, ठीक है। और डोर हैंडल्स की बात की जाए, यहाँ पे अंदर बंदे वाले डोर हैंडल्स, ठीक है, वो दरवाजे वाले होते हैं, ये बंदों वाले होते हैं। तो ये एक ही है, बाकी तीन में नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास विंडो लॉक है इधर, आई एम रियली सॉरी, और ये अनलॉक लॉक, ठीक है। ये था इसका फ्रंट इंटीरियर, ठीक है। और फ्रंट इंटीरियर में हमारे पास चार्जर वगैरह और लाइटर वगैरह, सिगरेट वगैरह के लिए, सारी चीज़ों के लिए जगह है। और नीचे अगर देखें तो हमारे पास काफ़ी स्टोरेज प्लेस भी मौजूद है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह डिग जाते हैं। हमारे पास ये नीचे वाला, ठीक है, और ये ऊपर वाला, यहाँ पे डबल वो है, क्या कहते हैं उसे, स्टोरेज प्लेस है। ये मास्क रखा हुआ गाड़ी में, ठीक है, ये भी आपको साथ ही मिलेगा। और एसी वेंट्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी स्टोरेज प्लेस है, इसको देख लें थोड़ा सा, ठीक है, सिगरेट वगैरह पीने के लिए। बाकी हम लोगों ने सिगरेट वगैरह पीने वालों के लिए हर चीज़ लगाई हुई है, क्योंकि खुद भी शौक रखते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, ठीक है। ओए ओए ओए, तू भी बाहर निकल। ओ, ये निकल ही नहीं रही यार, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसको निकलना चाहिए वैसे, ECT की, PT की, पता नहीं क्या शायद है, ठीक है। ट्रैकर वगैरह गाड़ी में सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और बैक कैमरा इंस्टॉल नहीं है क्योंकि MP3 है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसके बैक का व्यू, बैक व्यू कैसा है इसका, देन आई विल शो यू द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार ब्रो। बॉयज नहीं यार, नहीं यार, मैं नहीं करवाऊंगा, हाँ वीडियो में आएगा तो चल पॉलिश करने हैं। कितने में करके देगा, कितने में करके देगा, कितने में करके देगा, 40 रुपये में, ये ले यार कर दे, अच्छी वाली करके देंगे, चमका देंगे यार, ठीक है। तो चलते हैं यार, वो मेरे जूते ले गया भाई, और लेके गया भी ना हो जाए देखते हैं, अभी मुझे ये जूतियाँ पकड़ा गया, लवी हो गया यार। ये हमारे पास मौजूद है इंटीरियर, ठीक है। बैक साइड जो दरवाजे हैं, फ्रंट और बैक, ठीक है, दोनों में हमारे पास ये चेक करें, फैब्रिक्स यूज़ किया गया, ठीक है। ब्लैक पेपर हमारे पास यूज़ किया गया, ठीक है। ये हमारे पास पेपर नहीं है, ब्लैक प्लास्टिक है, ठीक है। सॉरी, वो कैमरा कहीं और था, मैं पठान को देख रहा था, चला तो नहीं गया, वो खड़ा हुआ है। ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पे फैब्रिक्स, ठीक है, भूल गया मैं। और ये हमारे पास टू टन में हमारे पास दरवाज़ा मौजूद है, ठीक है, बुआ मौजूद है गड्डी का, ठीक है, ब्लैक और इसे पता नहीं ग्रे कहेंगे, कौन सा कहेंगे, ग्रे ही कह लेते हैं, है ग्रे, ठीक है। और ये हमारे पास बोतल होल्डर और फाइल होल्डर मौजूद है, ठीक है। और कुशनिंग मैंने आपको बताऊं तो कुशनिंग के अंदर देखिए हमारे पास मौजूद है ये प्रोफा टाइप सीट्स हैं और फैब्रिक्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। और देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे भी एक मग होल्डर मौजूद है, ठीक है, और सीट बेल्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। ये पीछे बूट स्पेस है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार, तो हमारे पास मौजूद है 1000 सीसी इंजन इस हुड के नीचे, ठीक है, ऊपर हुड है बोनट, ठीक है। तो हमारे पास ये वेट्स का लोगो, ठीक है, 2013 की रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की। एंड दैट्स द हेडलाइट्स ऑफ दिस कार, हाई लो सिंगल फ्रेम में हमारे पास मौजूद है। इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद है, पार्किंग लाइट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है, फॉग लाइट्स हमारे पास मौजूद है। और अगर देखा जाए तो बम्पर, आमतौर पे बम्पर में ब्लैक ग्रिल होती है, ये थोड़ी सी ब्लैक ग्रिल ली गई है, बाकी सारा सिल्वर में, ठीक है। एयर इनटेक हमारे पास मौजूद है और देखा जाए तो आगे से छोटा सा हुड है, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया अंदाज में। एंड दैट्स द टायर्स ऑफ दिस कार, अलॉय रिम्स हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। टायर्स का साइज़ है 185/70 और 14 इंचज के रिम्स है इसमें, ठीक है। साइड इंडिकेटर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है।
और इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में मौजूद है, ठीक है। और अगर उसके अलावा देखा जाए, ठीक है, उससे भी अलावा देखा जाए तो रेयर माउंटेड एंटीना है हमारे पास, ठीक है, जो कि एडजस्टेबल है, ठीक है। और शॉवर हमारे पास मौजूद है, बैक वाइपर हमारे पास मौजूद है, टोयोटा का लोगो हमारे पास मौजूद है, वेट्स की बैजिंग हमारे पास मौजूद है, चाबी से खुलने वाली डिग्गी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसकी जो बूट स्पेस है उसे हम चाबी से खोल सकते हैं, ठीक है, चाबी ये छपा के चेंज करके तो ये खोल सकते हैं, खोलेगी, ठीक है, खोलने बंद कर दी, बंद हो गई, ठीक है। DRN में हमारे पास बैक लाइट्स मौजूद है, ठीक है, रिवर्स लाइट हमारे पास मौजूद है, इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद है, ब्रेक लाइट हमारे पास मौजूद है, एंड दैट्स द फ्यूल टैंक ऑफ दिस कार, ठीक है। और बम्पर में ऐसा कोई रिफ्लेक्टर एंड एनीथिंग मोर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सिंपल सी गाड़ी है, पीछे से भी आगे से भी, एंड अंदर से काफ़ी खुली है, ठीक है, अंदर से मैंने आप लोगों को दिखाया है, काफ़ी वाइड गाड़ी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एक मतलब फिर से, क्योंकि अंदर में अंदर हम मजाक कर रहे थे पहले, तो अभी सीरियस में आप देख सकते हैं काफ़ी खुली गाड़ी है, ठीक है। लेग रूम, हेड रूम सब कुछ इसका ओके है, ठीक है। और दैट्स द टोयोटा वेट्स, ठीक है। अगर ये किसी ने लेनी है तो हमारे पास मौजूद है, विंटेज कार्स पे डिमांड की जा रही है 20.5 लाख रुपये, ठीक है। और अगर आप लोग इसमें भी रिलैक्सेशन करवाना चाहें तो वो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या इसकी बाकी चीज़ें हैं और कितने तक ये फाइनल हो सकती है। आए गाड़ी लेके जाएं, ठीक है, विंटेज कार्स पर आएँ, ज़रूर आएँ। और लव यू हो गया सबके साथ, सब्सक्राइब और फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अबू बकर कार शो के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, टिकटॉक आईडी है, एंड ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है यहाँ पर, ठीक है।